प्रेज द लॉर्ड। जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र और मीठा नाम में आप सब मसीही लोगों को, पवित्र लोगों को मसीह वंदना देता हूँ। प्रभु का बढ़िया अनुग्रह है, प्रभु ने और भी एक दिन हमारा जीवन में दान दिया, आनंद काल की तैयारियां करने के लिए और भी अवसर दिया। हमें ये समयों को, अवसरों को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैं हमेशा आपको मालूम है कि जब हम इकट्ठा होते थे तो भजन शुरू करने से पहले मैं सबको बोलता था आत्मा में रहना। ये सुनते ही कई लोगों को गुस्सा आता है, क्यों गुस्सा आता, उनको आत्मा है ही नहीं, और आत्मा में बहुत लोग रहता है नहीं, इसलिए आत्मा में रहने के लिए बोला। मैं आपको अभी पूछूं, आप अपने आत्मा को आखिरी में कब उपयोग किया? मैंने सवाल आप समझा, आपने आपके आत्मा को आखिरी में कब इस्तेमाल किया? आपको आत्मा में रहना ये बात भी अगर नहीं समझा, आप इतना तो मुझे समझाओ कि आपने कब अपनी आत्मा को इस्तेमाल किया, ये भी समझना चाहिए ना, क्योंकि कई बार कई लोग ये बात को भी नहीं समझता। मैं नया जन्म पाया हुआ लोगों को बोल रहा हूँ, बाकी लोगों का अवस्था आत्मा मरा हुआ अवस्था है करके एफेसियों दूसरा अध्याय के एक वचन में लिखा है, पाप और अतिक्रमण कर मरे हुए, कहाँ मरे हुए हैं, आत्मा में। वो उन लोगों के बारे में मैं नहीं बोला, मैं अभी जो बोल रहा है ना, नया जन्म पाया हुआ, उद्धार पाया हुआ एक विश्वासी के लिए ये बात बता रहा हूँ। अब देखिए, अगर आपने आत्मा पाया, नया जन्म हुआ, तो आपने आत्मा को, अपने आत्मा को कब आखिरी में उपयोग किया? आप मुझे सुन रहे हैं ना, आपको अगर मैं पूछूं, आपका कान आपने कब इस्तेमाल किया? कब इस्तेमाल करता है कान सुनने के लिए? जब भी सुनना है तो कान इस्तेमाल करना पड़ता है ना। आपका पाप को आपने कब इस्तेमाल किया? जब भी चलना होता है, जब भी चलना होता है तो फिर पाप को ही इस्तेमाल करना पड़ता है। आपका आंख को कब इस्तेमाल किया? जब देखना होता है, कान से तो देख नहीं सकता, भाव से तो देख नहीं सकता, इसी प्रकार आपने आत्मा को कब इस्तेमाल किया? आपका मेरा सवाल समझ में आया ना, जानना प्रियो, क्योंकि आत्मा कब इस्तेमाल होता, जब हम प्रभु के संबंध में आता है। प्रभु के संबंध में आने के समय में, या आत्मिक संबंध में आने के समय में, या स्वर्गीय संबंध में आने के समय में आत्मा को इस्तेमाल करते बिना नहीं हो सकता, ये जानना। आज बहुत लोग प्रभु का जन्म होने पर भी प्रभु का वचन सुनने के समय में उनको नहीं समझता, क्यों नहीं समझता? आत्मा को इस्तेमाल नहीं करता, समझ में आया? क्योंकि योहन्ना 4:24 में लिखा है कि प्रभु आत्मा है, प्रभु आत्मा है। प्रियो, आत्मा आत्मा से बात करता है, तो आत्मा की बातें सुनने के लिए आत्मा को हमें आत्मा की ओर ले जाना बहुत बड़ी बात है ना। इसलिए हर एक बातों में हमको मतलब वो सच्चाई का ज्ञान चाहिए। आज आप आत्मा में रहकर इन वचनों को सुनना। अभी मैं आपको अगर बताऊं तो आपको मालूम है पहला कुरिंथी उसका दूसरा अध्याय का 9-14 तक का वचन में, पहले मैं 14 वचन पढ़ाता हूँ, इसके बाद में वापस आता हूँ प्रवेश, ओके? तो 14 वचन क्या बोलता, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। देखा, अभी एक शारीरिक मनुष्य बोलने का अर्थ जिसका उद्धार नहीं हुआ, जिसका नया जन्म नहीं हुआ, वो व्यक्ति आत्मा की बातें नहीं समझ सकता। सेम वैसे ही जो व्यक्ति आत्मा पाने के बाद में भी आत्मा को इस्तेमाल करने के लिए नहीं जाना ना, उनका भी अवस्था ऐसा है। जानना है प्रियो, हम आत्मा में रह करके इन वचनों को सुनना। हम आज प्रभु की आत्मा में है कि नहीं, मैं प्रभु का वचन सुनने से पहले मैं आत्मा को इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं, ये जानो, है ना, बहुत बड़ी बात है। अभी उसका 9 वचन से आप देखिएगा, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है,
परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। देखा, उन लोगों को नहीं मालूम किनको, जिन्होंने आत्मा नहीं पाया। देखो, परमेश्वर को प्रेम करने वालों के लिए, देखा, परमेश्वर को प्रेम करने वाला परमेश्वर का लोग है, जो आत्मा पाया हुआ लोग, वही आत्मा से ही वो प्रेम होता, क्योंकि आत्मा का फल प्रेम है। तो परमेश्वर को प्रेम करने वाला लोगों के लिए तैयार किया वो बातें, किसी आंखों से नहीं देखा, किसी का कान में नहीं सुना, किसका चित्त में या दिल में वो बात नहीं आया, पर तो हमको प्रभु ने प्रकाशित किया। कैसा? हाँ, वो बात है, आप देश वचन देखिए, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं। आत्मिक बातें मिला मिला कर सुनाने के समय में आत्मा में रहेगा, तभी समझेगा। इसका अभी केवल ना, मैं इन बातों को अभी बहुत विस्तार से अभी बोलने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि विषय थोड़ा अलग है, लेकिन मैं आपको इन आत्मिक बातों को, प्रभु का वचन को सही रीति में जानने के लिए हमें आत्मा में रह करके, अभी सब लोग इसलिए क्या करना, अपना बुद्धि को नहीं इस्तेमाल करना, आत्मा को इस्तेमाल करना, आत्मा में लेना, आत्मा में सुनना, आत्मा में ही इन बातों को समझ पाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी बात है। तो मैं आज से मतलब मैं आपको कुछ हमारा चाय की बातें, हम पीने वाला चाय का बात नहीं, पुराने नियम की बात है। पुराने नियम में एक चाय के रूप में जो बताया वो बात है, अभी आपको मालूम है, मतलब एक्चुअली ओरिजिनल आदम को आखिरी आदम करके बाइबल कहा, लेकिन जो आदम कौन है, आदम होने वाला या मसीहा का एक छाया था, एक प्रतिबिंब था। जब हम रोमियो 5:14 में पढ़ते हैं, मैं हर एक वचन नहीं पढ़ाएंगे, आप पढ़ लेना है, रोमियो 5:14 में लिखा है। तो अभी सबसे बड़ी बात हमको ये बात जानना है कि जो भी पुराना नियम की बात, आज कई लोग पुराने नियम को बिल्कुल नहीं चाहिए बोलकर छोड़ देते हैं, वो उनकी बात है, पर तो हमको चाहिए बहुत बातों को जानने के लिए, क्योंकि उस सादृश्य को जानेगा तो हम आत्मीय जीवन में बहुत गहराई में उतर सकते हैं, तो और प्रभु को अधिक महिमा कर सकता है, क्योंकि प्रभु का प्रबंध है, हम उन पुराने बातों से मतलब देखते हैं। और आपको मालूम है पत्रों में प्रेरित लोग क्यों पुराने बातों को लेकर के मतलब प्रोत्साहन दिया है, जरूरत है इसलिए। तो आज मैं आपको मतलब कुछ ऐसा जो चाया है जो कि पूर्ण रूप में प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, ऐसे कुछ बातों के बारे में कहने के लिए मैं चाहता हूं। तो आज सबसे पहले मैं मतलब वो आदम हव्वा को प्रभु ने पहनाया हुआ वो चमड़े का वस्त्र के बारे में आज हम थोड़ा सीखने के लिए जा रहे हैं। ओके, तो आप भी मेरे साथ चलना, बहुत प्रार्थना के साथ आत्मा में रह करके है, ये बात जरूर याद रहना, आत्मा में रहेगा आपको वो समझेगा, है ना। मैं उसके आधार में कुलपति की किताब उसका 3 अध्याय उसका 21 वचन पढ़ाना चाहता हूँ, कुलपति उसका 3 अध्याय का 21 वचन। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। देखिए अभी आपको मालूम है प्रभु ने इस प्रकार का कार्य क्यों करना पड़ा, है ना, वहां पर एक भयंकर बात हुआ, क्योंकि प्रभु ने आदम हव्वा को एदन वाटिका में रखा है, उस एदन वाटिका में उनको सारे अच्छा सुविधा था। अब देखिए मनुष्य के लिए जो भी चाहिए, पीढ़ी पीढ़ियों के लिए जो भी चाहिए, वो सब कुछ बनाने के बाद में आखिरी में प्रभु ने मनुष्य को बनाया, है ना, और उनको काम भी दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि उसका उत्पत्ति 2:15 में उनको क्या काम दिया था, है उस बगीचा का देखभाल करना। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन के वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हाँ, उसका रक्षा करे या उसकी पायरा दे, है ना। बोलने का अर्थ एक वहां पर एक खतरा का सूचना था, लेकिन हम देखते हैं कि उनको प्रभु ने बोला था कि भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि इस बगीचा का बीच में 2 पेड़ था, एक जीवन का वृक्ष और एक भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष, आपको सबको मालूम है।
तो मैं एक बात आपको बताऊं, जिस बात को मना किया उन्होंने वो काम किया, वो तो इंसान की एक खूबी है ना, जो मना कर देता है उसको करने में उत्साही रहता है, है? ये इंसान का एक बहुत बड़ा कमजोरी है, है? बहुत लोग मना करने के बावजूद भी वही काम करने के लिए उत्साही रहता है। अभी आप देखिए, जब ये लोग, मैं पूरा चरित्र को इसलिए नहीं बताता क्योंकि आप ये सब जानते हैं, हमारा मुख्य धारा क्या है कि वो पुराण नीम का हमने जो आधार में पढ़ा हुआ भजन को कह रहे हैं, इसे थोड़ा जानना। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि यांबर, तो यांबर विषय ये लोगों ने पाप किया, पाप किया तो अभी क्या हो गया, पाप किया है तो उनको मालूम हो गया अभी हम नंगा है, अभी हम नंगा है। देखा, वे लोग पाप करते ही वो लोग क्या हो गया, नंगा हो गया। और रोज प्रभु शाम के समय में विजिटिंग के लिए उनको मिलने के लिए आते थे, उनको मिलने के लिए आते थे, प्रभु बगीचा में चलने का आवाज सुनकर ये लोग भाग करके जाते थे, हैं? और मिल करके मुझे ऐसा लगता है कि दोनों दोनों बाजू में पकड़ करके बातें करते हुए, हैं? एक तो इतना आनंद के साथ, खुशी के साथ, हैं? आपने देखा होगा जिसको दो बच्चा है, डैडी या मम्मी, उनका दोनों हाथ को बच्चे लोग पकड़ करके चलते हुए देखा ना, हाँ ऐसे इतना आनंद के साथ, क्या सुंदर बगीचा है, ये दिन उस पद का अर्थ ही आनंद है, है? उस आनंद का बगीचा में मतलब प्रभु ने उनको इतना आनंददायक अवस्था में रखा, वहां पर किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं है, इतना अनोखा बात। परंतु जब एक दिन जब प्रभु आया तो रोज दौड़ कर आने वाला अभी आया नहीं। तब प्रभु ने गुरुपति तीसरा अध्याय का 9 वचन में बोलता है, आदम तुम कहा, आदम तू कहा, बोले क्या मालूम, मैंने लगा हुआ स्थान से तू कहां फिसल गया, है? तूने क्या किया? देखिए प्रभु का दिल को कितना दुख लगा होगा प्रियो, है? जब प्रभु की आज्ञा को तोड़ दिया तो प्रभु का दिल को कितना दुख लगा होगा। मैं आपको बताने चाहूंगा, देखो अपने जीवन में हमें प्रभु का बातों को मानने पर प्रभु का दिल को बहुत आनंद होता है। जब भी हम कोई भी एक छोटा सा छोटा बात भी हम जो समझते हैं ऐसा करने के लिए पर प्रभु का दिल को हम बहुत दुख पहुंचाता है। हमारे जीवन में हम प्रभु को दुख देता है क्या, है? प्रभु को दुख नहीं देना, हमें प्रभु इतना प्यार करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मतलब अपने जीवन में हमने कभी भी प्रभु को दुख दिया है क्या, है? अभी आपको मालूम है जब पहला तिमोथी 1:12-16 तक पढ़ेगा तो उन वचनों से एक बात मतलब पौलुस का गवाही में हम लोग मतलब जान सकता है कि मैंने मेरा प्रभु को दर्द दिया, वेदना दिया, है? एक बार थोड़ा उसको पढ़ लेंगे। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वासियों के समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था। देखा मतलब उसका दिल में एक वेदना है, मैं प्रभु को कैसा कैसा दुख देने वाला था, है? आज भी हमारे दिल में ऐसे कुछ चिंता है, ओ, मेरी बातों से मैंने प्रभु का दिल को दुखाया था। तो भी मुझ पर दया हुई क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अंधे के एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानियों होती रहे, आमेन। अभी आप इन वचनों को सही रीति में जैसे आपको मैंने बताया आत्मा में जब पढ़ेगा तो आपको मालूम पड़ेगा पौलुस का दिल में मैं एक समय में प्रभु को बहुत दुखाया करके एक फीलिंग है। देखा हमारे जीवन में ऐसे होता है क्या, है? मैंने भी मेरे जीवन में शायद मेरे कर्मों से होगा, नहीं तो मेरा बोलियों से हो सकता है, चाल चलन से, विचारों से, भावनाओं से, कई रीति में प्रियो
प्रभु ये सब जानता है, हमारा बैठना उठना चलना फिरना सोचना ये सब प्रभु जानता है। तो उस प्रभु की दृष्टि में हम चलना पड़ेगा तो कैसे होना चाहिए, है ना। हमेशा प्रभु के साथ बात करते हुए आत्मा में रहकर के जीवन बिताना ये प्रभु की इच्छा है। तो इसलिए अभी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अभी आम भर प्रभु का दिल को बहुत दुख है। अभी बोलते हैं आदम तो कहा, आदम का उत्तर क्या आपने देखा वहां पर है कुलपति 3:10 में, उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। हाँ देख कितना भयंकर बात है, आज तक ऐसा ये डर नहीं था, बहुत आनंद के साथ आकर के दौड़ कर मिलता था। अभी आप देखिए इसका मतलब क्या होता है, जो पाप करता है वो डर खाता है। देखा पाप हमेशा डर लाता है प्रियो। अगर आप आपके जीवन में परखकर देखो, कोई भी बातों से अगर डरता है, डर एक पाप है वो भी है, पाप डर लाता है इतना ही नहीं, डर एक पाप है। क्योंकि प्रयास वाक्य 21:8 में लिखा है डरपोक लोग कहां जाएगा, नरक में जाएगा। मैं आपको बताया ना, आप जरूर आपको जो भी संदेह आएगा पक्का लिख करके पढ़कर देखना है, डरपोक लोग भी प्रभु के राज्य में नहीं जाएगा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डर क्या है, मृत्यु का डर है, और प्रभु ने हमें मृत्यु का डर से ही छुड़ाया। आज हमें मृत्यु का डर है क्या है, अरे है तो एक धोखा है। क्योंकि इब्रानियों 2:14-15 में लिखा है जितने मतलब यीशु मसीह में विश्वास किया वो जितने भी लोग हैं प्रभु ने उनको मृत्यु का डर से छुड़ाया, मृत्यु का डर से छुड़ाया प्रिय है। आज हम आनंद जीवन में हैं, वो जीवन कभी समाप्त नहीं होता है, वो प्रभु के साथ का जीवन है। यूहन्ना 5:24 में लिखा है कि हम मृत्यु को पार करके आनंद जीवन में प्रवेश कर चुका है, करेगा भविष्य में होने वाला बात करूं मैं नहीं, हम कर चुका है। आप विश्वास करो, आप प्रभु में विश्वास करने वाले एक विश्वासी है तो आपको ऐसा कोई भी बात में डरने का जरूरत नहीं, और डरने वालों से प्रभु अपना काम ले भी नहीं सकता। और प्रभु ने हमें डरने की आत्मा नहीं दिया, रोमियों 8:15 में लिखा है। इसलिए मैं आपको ये बात से बताना चाहता हूं, अब यहां पर आदम कहता है कि हम डर गया, मैं डर गया और चिप गया। देखो प्रभु से कहीं चिप सकता है क्या है, देखा मानो एक पाप कितना हमें ब्लाइंड कर देता है, है? कितना दुख की बात है प्रिय। अभी उन लोग उनको मालूम था कि मानो प्रभु आएगा तो प्रभु के सामने जाना है, उन्होंने क्या किया था है? अंजीर का पत्ता लेकर के उन्होंने लुंगी बनाया करके हमने उसका 7 में पढ़ता है, है? परंतु आपको मालूम है जब धूप आया वो सूख गया, जब शाम को जब प्रभु आने से पहले वो सूख गया है, वो सूखने के कारण क्या हो गया, थोड़ा चलने के टाइम पर टूट फूट कर नीचे गिर गया। देखो उन लोग उस अभी तक उनको लुंगी उस प्रकार का लुंगी का जरूरत नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि वो प्रभु ने दिया हुआ महिमा को पहना था। पाप क्या कर दिया, महिमा से रेत कर दिया। अरे अब हम रोमियों का पत्र 3:23 में पढ़ता है ना, सबने पाप किया और परमेश्वर का महिमा से रहित हो गया। देखा महिमा का वस्त्र पहना हुआ लोग अभी अपना नंगापन को ढकने के लिए वो लोग अंजीर का पत्ता का लुंगी बनाया, वो भी कामयाब नहीं आया। अभी आपको मालूम है मतलब अंजीर का पत्ता क्या बताता है, आपको बताऊंगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें इस बात को जानना है कि कितना मनुष्य प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए अपनी तरफ से प्रयास किया लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, है ना। प्रभु की तरफ से प्रभु ने क्या किया, एक हमने अभी जो आधार के लिए पढ़ा था ना 3:21 और एक बार पढ़ना, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसके पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। देखा प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए प्रभु ने क्या किया, उनको चमड़े का एक वस्त्र पहनाया। प्रियो मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगा, उनको ये चमड़े का वस्त्र कहां से आया, कैसे मिला है? क्योंकि एक मानव जानवर मारा जाएगा तभी तो मानव चमड़ा का वस्त्र आएगा, क्या मानव आदम ने एक मानव जानवर को अपना भोजन के लिए काट करके खाया क्या है, खाने के लिए एक को खत्म किया क्या, नहीं है ना प्रिय। उस समय में मनुष्य को मांस खाने के लिए प्रभु ने परमिशन नहीं दिया,
उस समय में वो लोग मांस नहीं खाते, उनका खाना क्या था ना, उल्पत्ति पहला अध्याय उसका 29:30। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारे पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु है जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं, और वैसा ही हो गया। हाँ देखिए, उस समय में कोई भी ना शेर कभी भी बकरी को पड़कर नहीं खाता, घास खाता था है? सबको प्रभु ने खाने के लिए प्रबंध मारा, किसी को भी मांसाहारी नहीं बनाया या कोई भी किसी को ऐसा मांस खाने के लिए अनुमति नहीं दिया है? मांस खाने का अनुमति कब दिया? जलप्रलय के बाद में, आपको मालूम है जलप्रलय के बाद में प्रभु ने परमिशन दिया, और तो उससे पहले नहीं। जलप्रलय के बाद में हम देखते हैं जब उत्पत्ति किताब उसका 9 अध्याय का 3-4 वचन में हम पढ़ता है कि प्रभु ने परमिशन दिया है मनुष्य को ये खाने के लिए, परमिशन दिया ना 9:3-4। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेट दिए थे वैसे ही अब सब कुछ देता हो, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना। मतलब वहां पर भी एक व्यवस्था दिया है ना, जब तुम मांस को खा सकता है लेकिन लहू समेत नहीं खाना। देखो हर जगह पर प्रभु एक नियम देता है ना, उस पर बहुत ध्यान देना। और जब मोशा का समय आया तो और भी डिटेल से कौन कौन सा जानवर खा सकता है, कौन कौन सा पक्षी खा सकता है, कौन कौन सा मछली खा सकता है, सारा डिटेल है ना। अगर आपको जानने की इच्छा है तो आप लेवी की किताब 11 अध्याय और व्यवस्था विवरण या अनुवाद का किताब 14 अध्याय, ये 2 अध्याय पढ़ेगा तो उसमें पूरा डिटेल, वो ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं। मैं अभी वो बातों को पढ़ने के लिए नहीं जा रहा हूँ, आपको मालूम है हमारे समय बहुत कम है। तो मैं इस समय के अंदर मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि अभी यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मतलब ये जो एक चमड़े का वो वस्त्र उनको कैसे मिला है। प्रियो एक बात मैं आप यहाँ पर बताना चाहूंगा, वहां पर एक बिली हुआ, मनुष्य पाप करते ही वहां पर एक बिली हुआ। देखो ये बात है, आप प्रभु की आत्मा में रहेगा तभी समझेगा। प्रियो पाप से छुटकारा के लिए एक बिली अनिवार्य करके वहां पर बनाया। देखा प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए है योग्य बनना है तो वहां पर एक बिली है, एक जानवर का या मतलब मृत्यु जरूरी बात आया। देखा इतना भयानक है। आपको मालूम है जब मानव प्रभु ने उत्पत्ति 2 अध्याय का 17 वचन में ही मृत्यु आवाज आया, शब्द आया है 2 अध्याय के 17 वचन, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तो उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। देखा जरूर मरेगा करके बताया है। अभी आप देखिए यहां पर हमने क्या देखा है, मतलब इस दुनिया में हुआ सबसे पहला मृत्यु है वो एक प्राचित का मृत्यु था, एक बिली था, पाप के कारण आया हुआ। अब देखिए एक प्रकार आत्मिक अर्थ में देखेगा तो मतलब जैसा उन्होंने वो वृक्ष का फल खाया तो उसी समय में ही आत्मिक रीति में वो मर गया, परंतु यहां पर एक जो मृत्यु जो हुआ है ये जानवर का मृत्यु किस कारण हुआ है, पाप के कारण। सबसे पहला मृत्यु पाप के कारण आया हुआ मृत्यु है। आत्मा का मृत्यु भी कोई पाप का कारण आया, परंतु यहां पर एक मानव जानवर को मरना पड़ा, कारण क्या है, पाप के कारण। देखिए पूरा चरित्र में सृष्टि में आया हुआ सबसे पहला मृत्यु का एक ही मेन कारण क्या था, पाप के द्वारा है। पाप जैसे हुआ तुरंत ये मृत्यु भी हुआ। तो अभी हमें बात को जानना है कि कौन इस बेली किया या कौन ये मारा, इसको मारा, ये जानना बहुत जरूरी बात है। मतलब प्रियो मैं आपको बताना चाहूंगा उसने किया, जो व्यक्ति सारा मानव जाति का पाप के लिए स्वयं मतलब मेमना भी बना
और स्वयं याजक भी बना। ऐसा एक ही व्यक्ति दुनिया में है, वो प्रभु यीशु मसीह है, जिसने एदन वाटिका में हमारा पूर्व पिता आदम अव्वा को, पूर्व माता पिता आदम अव्वा को पाप के कारण आया हुआ उस नग्नता से बचाने के लिए, प्रभु के सामने खड़ा होने का लायक बनाने के लिए एक जानवर को मारा। वो कौन मारा? वो हमारा प्रभु यीशु मसीह ने मारा, और वो स्वयं था। ये बात मानव जाति के लिए प्रभु ने किया हुआ कार्यों को हम बाइबल में देखता है। ये बातों को जानने के लिए हमें यहां से आना पड़ता है, उसका गहराई जानने के लिए। मैं इसलिए आपको वहां से लाना चाहा। कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना। जब एफेसियों का पत्री 5 अध्याय का दूसरा वचन जब पढ़ता है, एफेसियों उसका 5 अध्याय का दूसरा वचन, प्रभु ने हमारे लिए क्या किया? और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए, अपने आप को सुगंधदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। देखो, प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। एक प्रकार बोलेगा तो ये बलि करने वाला और बलि बनने वाला ये दोनों प्रभु यीशु मसीह था। और भी उसको थोड़ा सा और गहराई में बताने के लिए इब्रानियों के पत्री में आता हूं, है ना। आप थोड़ा अभी ये सब बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट में आकर के आपको बताऊंगा। तो इब्रानियों के पत्री उसका 9 अध्याय है, उसका 11 से 14 पढ़िएगा। इब्रानियों 9 अध्याय का 11 से 14। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, देखो वो महायाजक होकर आया बोलता है, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा। देखा, अभी याजक भी है और यहाँ पर जानवर भी है, अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, क्योंकि तुम जीवित हैं, परमेश्वर की सेवा करो। देखा, मतलब आज हमें एक सच्चा आराधक बनाने के लिए प्रभु स्वयं हमारे लिए उस जानवर या मेमना भी बना और याजक भी बनकर वो काम किया। थोड़ा और एक वचन, 7:27, इब्रानियों 7:27। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। देखा, इसका मतलब यीशु मसीह अपने आप को बलिदान चढ़ा करके बोलने का अर्थ, यहां पर चढ़ाने वाला और चढ़ने वाला दोनों प्रभु यीशु मसीह। क्या अनमोल बात है ना, प्रभु ने कैसे इन कामों को किया। प्रियो, हमारे प्रति प्रभु का प्यार कितना गहरा है। हमें प्रभु के सामने लाने के लिए, प्रभु के निकट लाने के लिए हमारे प्रभु ने क्या किया। एदन वाटिका में जो भी पाप हुआ, तुरंत प्रभु ने वो बलि का कार्य किया। प्रभु का हमारे प्रति प्रेम कितना अनोखा है। आपको मालूम है, जब अब्राहम को प्रभु ने एक बात कहा था, अब्राहम को क्या बोला, अब्राहम मारा प्रभु का मित्र था, ये मित्र का दिल थोड़ा भड़कने लगा अपनी बेटा इसहाक के ओर। और आपको मालूम है कि अब्राहम प्रभु से इतना लिपटा हुआ, मैं मित्र बोलना है तो कितना अच्छा मतलब दोस्ती था ना, अभी तो बोल पाएगा। तो प्रभु ने अब्राहम को अपना मित्र बनाया। अभी अब्राहम का जीवन में बहुत बुढ़ापा में मिला हुआ बेटा इसहाक के ओर वो प्यार धीरे धीरे बहने लगा। तब प्रभु ने अब्राहम को बोला, अब्राहम तुम्हारा एकलौता पुत्र जिससे तुम प्रेम करता है, देखो प्रयोग सब कितना अनोखा बात है, उसको बिली करना है, उसको होम बिली करना है मेरे लिए। देखो अभी उल्पति किताब उसका 22 अध्याय, आप 1 से, अभी मैं पूरा वचन को मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा, आप थोड़ा पढ़कर देखिए है। प्रियो, प्रभु के साथ का हमारे संबंध के बीच में कोई नहीं आना, ये बात बहुत गौरव का बात है।
क्योंकि हम प्रभु को कैसे प्यार करना है। पर अब मरकुस का सुसमाचार 12 अध्याय पढ़ेगा तो 12 अध्याय का 30 वचन में प्रभु ने क्लियर बोला, पूरा मन से, पूरा दिल से, पूरी ताकत से, है ना। अब थोड़ा पढ़िए, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे मन से, अपने सारे प्राण से, सारे प्राण से, और अपनी सारी बुद्धि से, सारी बुद्धि से, और अपनी सारी शक्ति से, सारी शक्ति से। देखो सारे संपूर्ण संपूर्ण वहां पर थोड़ा विज्ञापन नहीं है, झूठ नहीं, पूरा। अभी यहां पर अब्राहम के जीवन में थोड़ा कमी आया, वो कमी इज्जत था, इसलिए प्रभु ने बोला इज्जत को खत्म करो। अब्राहम ओबे किया है ना, आपको मालूम है ओबे किया है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, प्रभु ने अब्राहम को उस इसका को मारने नहीं दिया। जरूर प्रभु के लिए एक सुगंधदायक बलिदान वहां पर होना जरूरी था, लेकिन हम जब देखता है कि आपको मालूम है ना वो यात्रा वगैरह है, इसका को भी मालूम पड़ा है कि अपन आराधना के लिए जा रहा है तो भेड़ चाहिए। उसका बीच में इसहाक पिताजी को पूछता है, उसका 7-8 बजे इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि के भेड़ का उपाय आप ही करेगा। ओ देखा, परमेश्वर उपाय करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, जिसको प्रभु में भरोसा है उसको मालूम है प्रभु प्रबंध करेगा। ये बात है भाई, हमारे जीवन में आज प्रभु के ऊपर आपको कहां तक भरोसा है, विश्वास है? आप प्रभु का कितना बड़ा शरणागत है, है? सच्चा शरणागत है प्रियो, प्रभु पर पूरा शरण लेगा। 118 भजन संहिता का 7-8 वचन अगर पढ़ेगा तो प्रियो, कई बार लोग कई बातों में अपना शरण लेता है, नहीं। ये वचन क्या बोलता है 118 का 7-8? यहोवा मेरी और मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा के शरण लेने मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है, उत्तम है। और आगे, यहोवा के शरण लेने प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है, उत्तम है, उत्तम है। प्रभु में शरण लो प्रियो, प्रभु में शरण लो, सबसे उत्तम। अभी यहां पर अपने बेटे इसहाक का सवाल का जवाब उन्होंने क्या बोला, यहोवा प्रबंध करेगा, क्योंकि यहोवा पर उसका पूरा भरोसा है। सच में बाइबल में कहा हुआ यिर्मयाह नबी किताब 17 अध्याय का 7-8 वचन है, ऐसा शब्द है प्रियो। हम लोग इसको कैसा मतलब समझते हैं ना, यिर्मयाह 17 का 7-8, धन्य है वो पुरुष यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना। देखा, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना, भरोसा रखा, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसके जड़ जल के पास फैली हो, जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। बोलने का मतलब प्रियो, प्रभु का जन प्रभु के साथ सच्चा नाता जोड़ा है तो वो हमेशा प्रभु के उपयोग में आएगा, प्रभु का महिमा उसके जीवन के द्वारा होगा ही होगा। उसका 5 वचन में अगर हम देखते हैं ना, कोई 17 अध्याय का 5 वचन में यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिनका मन यहोवा से भटक जाता है। वो दुखदायक बात है प्रियो, हमारा मन कभी भी प्रभु से ना भटके। देखिए आपको मालूम है ना प्रभु का हमारे प्रति प्रेम प्रियो, प्रभु प्रेम है प्रियो, प्रभु हमें बहुत प्यार करता है, वो दिल को हम जानना और प्रभु पर हम कभी संदेह नहीं करना, प्रभु पर पूरा भरोसा रखना प्रियो, है ना। प्रभु अपना शरणागत को कभी नहीं त्यागेगा, है ना। बहुत अच्छा रेडी में आप थोड़ा प्रभु की आत्मा में है ना, आप समझिएगा, आप समझिएगा, पक्का समझिएगा। देखिए अभी यहां पर आप देखिए, अभी यहां पर उन लोगों ने प्रभु ने कहा हुआ वो पहाड़ में गया, उधर जाकर के वेदी बनाया है, और अभी भेड़ चढ़ाने वाला कौन है, भेड़ कौन है उधर का, इस आपको पिताजी ने बुलाया, इधर आओ बेटे, आया
हाथ पीछे करो, पीछे किया, उसको बांधा, भाव को बांधा, उड़ा करके मेरी वो उधर चिल्लाया नहीं, ये क्या कर रहा है बोल के कोई आंकमा नहीं किया है। नहीं तो भी आपको मालूम है अब्राहम कितना बूढ़ा है और इसहाक कितना जवान है, लेकिन वो पिता का एकदम आज्ञा मानने वाला। अब देखो भाई है ना, आजकल का बच्चे लोग माँ बाप बोलता है तो कोई बात सुनता ही नहीं, हर बात में रिवील करता, हर दो प्रियो इसका कितना ओबे करता है ना, कितना आने का बात है। अभी ये सब रेडी करके अब्राहम ने है उसको काटने के लिए एकदम तलवार निकाला है, एकदम अभी उधर गले पर गिरने वाला है, तुरंत अब्राहम अब्राहम करके प्रभु बहुत जोर से चिल्ला कर कहा, आप देखिए है, अभी आप देखिए प्रभु वरना बोला बेटे पर हाथ मत लगाओ, वरना उसका बार हो। उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया, प्रियो प्रभु हमारे जीवन में काम करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा अपने जीवन में सबसे बढ़कर कम प्रभु को प्रेम करना प्रियो, क्योंकि प्रभु हमें सबसे बड़ा प्यार किया है और वो प्यार हमने पाया है प्रियो, वो प्यार वही प्यार हमें अभी प्रभु को करना है। बहुत अनमोल बात है, आप देखिए स्वर्गीय पिता भी गवाही देता है, देखो अपने बेटे को मरने नहीं दिया, लेकिन प्रभु ने वहां पर एक मेमने का प्रबंध किया हुआ था। उसका 13 वचन में हम क्या पढ़ता है, तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सिंगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है, अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। देखा वहां पर वो चढ़ाया गया हुआ वो मेमना कौन था, है वो मसीह था प्रिय, वो मसीह है, बोलेगा तो वो सब मसीह की एक छाया है। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, इसलिए अपन प्रभु की आत्मा में इन बातों को जानेगा तो माने इसहाक के बदले में मरने वाला कौन है जो मेरे और आपके बदले में मरा हुआ यीशु मसीह, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा उसको है। वहां पर अब्राहम के बेटे को मरने नहीं दिया परंतु एक मेमने को तैयार किया था, प्रियो हमारे लिए तैयार किया हुआ एक मेमना है वो प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है। अभी आप देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब एदन वाटिका में इतना आनंद था, मैं आपको बोला ना मानव एदन उस पद का अर्थ ही खुशी आनंद है, एक त्योहार का एक बड़ा मानव मजेदार अनुभव था एदन वाटिका में, पर जैसे पाप आया तो वहां पर मृत्यु का चिल्लाहट आया, देखिए है आनंद की उस जगह में मृत्यु का चिल्लाहट कैसे आया, क्योंकि पाप प्रवेश किया। देखा इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, पाप मत करो, पाप मत करो, डरते हुए कांपते हुए, जब भजन संहिता 4:4 में एक शक्ति चेतावनी है, आपको याद है कि नहीं मारे नहीं, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा है ना, भजन संहिता 4:4 पढ़, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकार, कांपते रहो और पाप मत करो, कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। हाँ प्रियो, अरे कई बार कई लोग लेटने के टाइम उनको नींद नहीं आता है तो वो बहुत बुरी बातों सोचते रहते हैं, इसलिए कभी भी कहीं भी हो प्रियो पाप मत करो, प्रभु ने छुटकारा दिया हुआ है वो पापनी स्त्री को, प्रभु ने मारे छुटकारा दिया उसको बोला आगे को पाप ना करो, चंगाई दिया वो व्यक्ति को प्रभु ने बोला आगे पाप ना करो है, प्रभु में आया वो व्यक्तियों से प्रभु एक ही बात बोलते हैं पाप ना करो। अभी आप देखिए यामर भी प्रभु ने मैंने दिया हुआ आज्ञा तोड़ने के द्वारा क्या हो गया, पाप आया, पाप आ गया, वही मनुष्य का चिल्लाहट है जो रोमियो 7:24 में प्रेषित पौलुस अपने अनुभव में होकर के वो कहते हुए आने के टाइम पर कहने वाले एक शब्द सारे मानव जाति का चिल्लाहट का शब्द है। वहां पर क्या बोलते हैं रोमियो 7:24, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हाँ देखा प्रियो, इस मृत्यु का चिल्लाहट मनुष्य के द्वारा हुआ, मनुष्य के पाप ने लाया,
मेरे इस मृत्यु के दिन से कौन छुटाएगा। बोलने का मतलब अभी मैं कैसा छुटकारा पाएगा। मनुष्य के छुटकारा असंभव बन चुका था। और भजन भी बोलता है, आपको सबको याद है ना, 49 भजन संहिता का 7-8-9 तक भजन जब पढ़ता है, वहां पर क्लियर लगा है असंभव है, असंभव है, कभी नहीं हो सकता, है ना। उनमें से कोई अपने भाई को किसी बांते छुड़ा नहीं सकता है और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती बारी है, वह अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे। हाँ प्रियो, एक बात, कभी भी मनुष्य से ये काम असंभव है। लेकिन यीशु मसीह जब दुनिया में आया, एक बात कहा, जब मत्ती के सुसमाचार 19 अध्याय उसका 26 और 27 वचन में देखिए, वो एक धनवान के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का विषय में है। तो भी धनवान हो दरिद्र हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर जैसे हमने वचन पढ़ा, कोई भी मनुष्य अपना छुटकारा का दाम दे करके छुटकारा नहीं पा सकता। मनुष्य उदार पाना असंभव था। लेकिन यहां पर यीशु मसीह कहता है, यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता। देखा, मनुष्यों से ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ये बात है, प्रभु ने वो संभव बनाया, प्रभु ने वो संभव बनाया। असंभव को संभव बनाने के लिए हमारे यीशु मसीह दुनिया में आया और हमारे लिए वो कालवरी सूली पर बलिदान हुआ। आप देखिए, मनुष्य के द्वारा आया हुआ पाप का मजदूरी मृत्यु हमेशा के लिए भी मिटा जाएगा। आपको याद है, है? जब इस उद्धार का महत्व जानना पड़े, अभी जीते जीते उद्धार पा करके, प्रभु का जन्म पहन करके, प्रभु की आत्मा पा करके, आत्मा में चलते हुए, प्रभु का बेटा का पदवी में जी करके, प्रभु का महिमा करना अनेक लोगों का कर्तव्य है। और इस बात को और नहीं जाना और नहीं माना तो बहुत बड़ा धोखा है। तो यहां पर हम देखते हैं कि हर एक मनुष्य, जब आज हम ये दुनिया में मृत्यु देखते हैं, पर आगे एक समय आ रहा है मृत्यु कभी नहीं रहेगा। 1000 साल के राज्य में भी मृत्यु है। परंतु आगे जब प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 5 वचन आपको मालूम है, मतलब जैसा उत्पत्ति 1-2 अध्याय में कोई मृत्यु नहीं, वहां पर शैतान लोगों को कोई काम नहीं, शैतान ही नहीं, मतलब शैतान को वहां पर हम नहीं देखते। इसी प्रकार आखिरी 2 चैप्टर प्रकाशित वाक्य 21 और 22 अध्याय में शैतान को नहीं देखता है। वहां पर पढ़ता है 21 अध्याय के 5 वचन में, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी। हाँ, देखा, फिर मृत्यु नहीं रहेगा। मैं आपके लिए वो हिंदी में 4 है, मेरा बाइबल में मलयालम में 5 था, इसलिए सॉरी। तो आप एक बात देखना, ये मृत्यु अभी नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेगा, निराशा नहीं रहेगा, आनंद ही आनंद रहेगा, है ना। ये बात यशायाह नबी की किताब में भी एक वचन है, 25:8 सदा के लिए, उसका शुरुआत में ही लिखा है। आपका 25:8 देखना, वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। हाँ, मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा, मतलब मृत्यु फिर नहीं रहेगा है। बहुत बड़ी बात है मृत्यु नाम का बात। अब एक प्रकार मृत्यु का बात क्या है आपको मालूम है, प्रभु से अलग हो जाना है। अभी हम प्रभु से जुड़ गया, अभी हम प्रभु के साथ एक बन गया, अभी कभी अलग नहीं हो सकता। ओह, जिसको प्रभु मिल गया कितना धन्य लोगे। मैं आपको इसलिए बताना चाहूंगा कि यहां पर हम लोग क्या करना चाहिए है? देखो, अनंत काल में मृत्यु पक्का नहीं रहेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, वहां पर एक गीत है, वो गीत मृत्यु का गीत है। देखा है, वहां पर मृत्यु नहीं रहेगा, पर तो एक मृत्यु का गीत रहेगा। वो किस लिए? वो हमें जागृत करेगा है? अनंत काल गाने वाला एक गीत, वो मृत्यु का गीत है। कौन सा मृत्यु? मेमने का मृत्यु। ये बड़ी अद्भुत बात है। वो मेमने का मृत्यु नहीं होता तो हम लोग वहां पर नहीं पहुंचता था। इसलिए एक गीत रूम में हम गाते हैं, आपको याद है ना, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय
उसका 12 से 14 और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। एक उसका 10 वचन भी पढ़िएगा। और उन्होंने हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। और एक गीत गाते हैं 9 बजे में नया गीत गाने लगे। एक नया गीत तो इस पुस्तक के लेने और इसके मोहरे खोलने की योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से अनंत काल में होने वाला वो गीत प्रभु यीशु मसीह वध होकर के अपने लहू से खरीदा वो लोग गाने वाला सुंदर गीत है। ये अनंत काल तक हम गाएगा, हमारी मृत्यु नहीं लेकिन इस मृत्यु का गीत हम गाएगा। बहुत अनोखे बात है प्रभु, आज भी गाने के टाइम पर हमारा दिल कितना टूटता है प्रभु का प्रति, प्रेम के प्रति है, अनुकंपा नहीं प्रेम। आज हमें प्रभु को कोई अनुकंपा दिखाने की जरूरत नहीं, तरस दिखाने की जरूरत नहीं है, प्रेम तो सबसे बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा देखो, तो प्रभु ने हमारे लिए ये दिन वाटिका में कितना अनमोल कार्य किया। अभी ये जो चमड़े का वस्त्र और क्या बताता है, वो हमें मिलने वाला धार्मिकता को बताता है, हमें मिलने वाला धार्मिकता को देखा वो, क्योंकि कोई भी पापी प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए लायक नहीं, योग्य नहीं, धर्मी लोग ही प्रभु के सामने खड़ा हो सकता है। तो इसका मतलब वो वस्त्र बना करके प्रभु ने आदम हव्वा को अपने सामने खड़ा कर दिया। बोलेगे मानो ये वस्त्र क्या बना, परमेश्वर का धार्मिकता। ये बात है प्रियो, ये बात विशेष बात है, मैं आपको इसलिए बताना चाहूंगा। मनुष्य ने पहले प्रभु के सामने आने के लिए कोशिश किया ना, कैसे कोशिश किया, अंजीर के पेड़ की पत्ते से, पर हमको हमने देखा है कि वो टूट गया, वो खड़ा नहीं हो पाया है, वो अपना नंगापन को देख नहीं सका, वो प्रभु के सामने जाने के योग्य नहीं बना। ये किसको बताता है, मनुष्य की धर्म की कामों को। अंजीर के पेड़ से बनाया पत्ते से बनाया हुआ लुंगी मनुष्य की धार्मिकता को बताता है, मनुष्य अपनी तरफ से करने वाला धार्मिकता का काम। प्रियो एक बात जरूर जानना, हम कितना भी अच्छे भले काम करें हम प्रभु के लायक नहीं, प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए योग्य भी नहीं, क्योंकि हमारा अच्छे काम के बारे में बाइबल जब यशायाह नबी किताब 64 अध्याय का 6 वचन क्या कहते हैं, आपको मालूम है ना, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चित्रों के समान है। देखो हमारा सब अच्छे काम भी इतना गंदे कपड़े के चूने के लायक नहीं है, नफरत आएगा, इतना गंदा है, हमको जो सबसे अच्छा लगता है वो प्रभु की दृष्टि में सबसे गंदा। ओ इसका मतलब हम लोग कोई भी उधार पाया तो प्रियो हमारी मेहनत से नहीं, हमारे अच्छे कामों से नहीं, हम अच्छा था इसलिए नहीं, अच्छा हम अच्छा काम कैसे करेगा, हम तो पाप में जन्मा। तीतुस का पत्र में ऐसे एक वचन है, तीतुस उसका 3:5 आप हिंदी में आगे पीछे हो सकता है, तीतुस तिमोथियस के पास में तीतुस है, हाँ उसका 3:5 तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों का कारण नहीं। उसने हमारा उद्धार किया, ये हमारा धर्म के काम का कारण नहीं, जो हमने आप किए, हमने आप किए हुए कामों के कारण नहीं है प्रियो, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान। बस देखिए आप ये बात को जानना है, एफिसियों 2:8-9 देखो मैं आपको इसलिए बताना चाहूंगा प्रियो, हमारा कोई धर्म का काम, हम कोई धर्मी नहीं, ये दुनिया में कोई धर्मी नहीं, वचन क्लियर बोलता है ना, एक भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया, सब पाप में जन्मा, जन्म से पापी, मृत्यु के लिए योग्य, नरक के लिए नियुक्त था, पर तो प्रभु का ये प्यार हमको बचाया,
पत्री दूसरा अध्याय का 8-9 वचन में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और वह तुम्हारी ओर से नहीं, तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। प्रेज द लॉर्ड, क्या साफ बातें थी, कितना साफ बातें है। कोई भी व्यक्ति कितना भी अच्छा काम करके धर्मी नहीं बन सकता, प्रभु के सामने कड़ा नहीं हो सकता। बहुत से वचन है, एक दो वचन मैं आपको पढ़ाऊं, गलातियों का पत्र उसका दूसरा अध्याय का 16 वचन और 21 वचन, गलातियों 2 का 16। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। देखा, व्यवस्था के कामों के द्वारा कोई धर्मी नहीं ठहरता, प्रियो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार मेला का पद भी मिलता है। आगे, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। व्यवस्था के कामों से कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरेगा। उसका 21 वचन, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। व्यर्थ होता, प्रभु को इधर आकर मरने का क्या जरूरत था है। प्रियो, प्रभु का वचन कितना सुंदर है, बहुत बातें हैं, मैं इतना डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। प्रियो, एक बात जानना, हमारा जीवन में प्रेरित पौलुस एक्चुअली एक धर्मी मनुष्य था, है ना। बहुत मानव व्यवस्था के अनुसार वो एकदम बहुत एक निष्कलंक व्यक्ति एक व्यक्ति था, लेकिन वो व्यवस्था के द्वारा वो धार्मिकता उसको प्रभु के सामने खड़ा होने के लायक नहीं बनाता। इसलिए वो खुद गवाही देता है फिलिपियों 3:9 वचन में, फिलिपियों 3:9 पढ़ और उसमें पाया जाओ ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ, अपनी देखा अपने वो धार्मिकता के साथ नहीं जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। देखा, वो खुद प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलने वाला धार्मिकता पर डिपेंड होकर के जीवन बिताया। बहुत ही अनमोल बात है, बहुत हमारा महान व्यक्ति है प्रेषित पौलुस, इतना व्यवस्था को एकदम निचोड़ करके पी करके जीवन बिताने वाले व्यक्ति था, लेकिन वो बोलता है उसमें होने वाला वो धार्मिकता के साथ मैं उधर निकट नहीं जा सकता। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलने वाला वो धार्मिकता पा करके उसी में मैं रहना चाहता हूं। इसके अलावा कोई बात ढूंढेगा तो प्रियो ये धोखा ही धोखा। तो सबसे बड़ी बात है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलने वाला वो धार्मिकता का वस्त्र आज आपने पहना है ना, है वही धार्मिकता का वस्त्र पहनाने के लिए प्रभु आया। पिता ने हम सबको क्या किया, प्रभु यीशु मसीह में लाकर रखा, यीशु मसीह को हम हमारे लिए एक अच्छा वस्त्र करके हमको दिया। इसलिए यीशु मसीह जब पहला कुरिन्थी पहला अध्याय 31 वचन में बोलता है वह हमारा धार्मिकता है, वह हमारा पवित्रता है, वह हमारा छुटकारा है। यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ बना, प्रियो यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रभु में विश्वास करके इस अनुभव में रहना कितना धन्य बात है। मैं बहुत जल्दी इस विषय को समाप्त करना चाहूंगा। यहां पर पाप करने के बाद में प्रभु ने तुरंत कार्रवाई लिया, तुरंत वहां पर एक मिली हुआ। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रकाशित वाक्य 13:8 वचन में पढ़ता है जगत की उत्पत्ति से लेकर मरा हुआ मेमना। देखिए वो मेमने का खूबी क्या है, जब मनुष्य पाप किया तुरंत वो मृत्यु हुआ। क्या अनोखा बात है, अभी वहां पर उस प्रकार का एक मृत्यु नहीं होता। तो अब पढ़ेगा 13:8 पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है उस पशु की पूजा करेंगे। प्रियो एक बात जानना, जब मनुष्य ने पाप किया तुरंत परमेश्वर ने एक योजना बनाया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर के सूली पर मरने के लिए तैयार हो गया। यीशु मसीह हमारी छुटकारा के लिए ये दुनिया में आकर के मरने के लिए अगर तैयार नहीं होता तो वहां पर वो एक मेमने का चमड़ा का वस्त्र उन्हें नहीं मिलता था। वो मेमने का वस्त्र क्या देखा था मालूम है, यीशु मसीह ने पिता को बोला पिता
मैं मानव जाति का छुटकारे के लिए जाकर कालवरी सूली पर मरने के लिए मैं तैयार हूं। मैं उनको एकदम धार्मिक का वस्त्र बनाने के लिए मैं तैयार हूं घर के। उसी समय में पिता को गवाही दे करके ये धार्मिकता का वस्त्र आदम हवा को पहनाया। आपको मालूम हो रहा है, समझ में आ रहा है थोड़ा सा? रियो, ये कोई हल्की बात नहीं। इसी कारण जब हमारा यीशु मसीह जगत में उस वजन के अनुसार, आपको मालूम है ना, स्त्री की संतान सर्प का सिर को कुचलेगा। वहां पर का बहुत बातें बोलने के लिए आदम को प्रभु ने पूछा तूने क्या किया, हव्वा को प्रभु ने पूछा क्या किया, पर तू सर्प को नहीं पूछा, सर्प को सीधा सजा दिया। बहुत बड़ी बात है। पर तू मनुष्य को प्रभु ने सजा नहीं दिया, पहले प्रभु ने उनका उद्धार का कार्य किया, उनको और वायदा भी दिया, एक सुसमाचार भी सुनाया, स्त्री के संतान सर्प का सिर को कुचलेगा। देखिए उत्पत्ति 3:15, आपको मालूम है मैं सारे वचनों को उड़ा कर नहीं पढ़ाता हूं। स्त्री का संतान, प्रियो, ये दुनिया में स्त्री का संतान होकर के एकमात्र व्यक्ति आया। इसलिए गलातियों 4:4 में लिखा है जब समय पूर्ण हुआ वो स्त्री का संतान होकर के जगत में आया, है ना। जब समय पूर्ण हुआ वो स्त्री का संतान होकर के जगत में आया। जब रोमियो 5:6 में लिखा है ठीक टाइम पर वो भक्तों के लिए मरा, भक्तहीनों के लिए मरा, ठीक टाइम पर। आप देखिए प्रियो, प्रभु का हर एक काम ठीक टाइम रहे। और वो प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आया, यीशु मसीह के आगे आगे मार्ग तैयार करने के लिए आया हुआ। योहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या बोला, योहन्ना का सुसमाचार 12:29 में, देखो ये जगत का पापों को उड़ा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना। परमेश्वर का मेमना बन करके सारे मानव जाति का उद्धार के लिए वो एदन वाटिका में दिया हुआ उस वायदे के अनुसार स्त्री की संतान होकर के समय की पूर्णता में जगत में आया और ठीक टाइम पर वो हमारे लिए मरा। रियो, ये कोई छोटी बात है? आपको मालूम है गेत्सेमने बाग में प्रभु यीशु मसीह पिता से कहने वाले शब्द है, आपको मालूम है क्या बोलता है? मालूम है ना, जब लूका 22:1 और 1-2 पढ़ करके जल्दी हम समाप्त करेंगे, उसका 42। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। देखा है प्रियो, आप देखिए अगर ये प्याला हटा दे बोल के यीशु मसीह प्रार्थना बिंद किया तो क्या होता? मानव जाति का उद्धार नहीं होता। प्रियो, ये दिन वाटिका में अगर पिता के सामने यीशु मसीह अगर ये बात कबूल नहीं करता कि मैं जाकर के इस रीति में सूली पर मरने के लिए तैयार हूं, तो क्या होता मालूम है? आदम हव्वा को ये वस्त्र नहीं मिलना था, ये वस्त्र नहीं मिलना था। आप जानो प्रियो, ये वस्त्र कभी नहीं मिलना था। वहां पर पिता को दिया हुआ वायदा, इसलिए प्रभु का बारे में लिखा हुआ बात पूरा करने के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा भागी भांति भांति में दिया हुआ बातों को पूरा करने के लिए समय की पूर्णता में ठीक टाइम पर ये दुनिया में आकर यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ। आपको समझ में आया क्या अनोखा बात है प्रियो? वो चमड़ा का वस्त्र किसको बिदाता है? प्रभु यीशु मसीह को बिदाता है, प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। क्या अनमोल बात है! आज हमने उस धार्मिकता का वस्त्र को पहना है, आज हम प्रभु की दृष्टि में धर्मी है उस विश्वास के द्वारा, है ना। जब रोमियो का पत्री 5:1 का पहला वचन में, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। देखा हम उसका 3:21 वचन भी पढ़िएगा, रोमियो 3:21। परंतु अव्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और वैश्विकता देते हैं। यो क्या अनमोल बात है प्रियो, प्रियो हमें मिलने वाला ये धार्मिकता, हमने कुछ भी इस दुनिया के रीति में कोई अच्छा काम करके नहीं पाया। देखिए इतना महान प्रभु ने हमारे लिए दिया वो उस वायदे के अनुसार ठीक समय में स्त्री की संतान होकर के ये दुनिया में आकर के हमारे पापों के लिए वो मर गया। आज कोई भी पापी मर करके पाप में मर करके नरक में जाना प्रभु की इच्छा नहीं। सच में कितना अनमोल बात है।
आज प्रभु का इच्छा क्या है, जब पहला तिमोथी उसका दूसरा अध्याय का 4 वचन। प्रियो अभी यूहन्ना ने बोला सारे जगत को पाप को उड़ा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना, सारे जगत का, सारे आदमी पीढ़ी का, सारे लोगों का, सारे पापों को प्रभु अपने ऊपर लिया, सबके लिए प्रभु मारा। इसलिए प्रभु का इच्छा क्या मालूम है? यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। पहचाने प्रियो, बहुत बड़ी बात है, सबका उद्धार हो। प्रभु दुनिया में क्यों आया ना? योहन्ना का सुसमाचार 3:17। योहन्ना का सुसमाचार 3:17 है, प्रियो एक विजन भी नष्ट होना प्रभु को इच्छा नहीं, सारे मानव के लिए प्रभु दुनिया में आया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। उद्धार पाए वो, ये प्रकाशन प्रभु ने आदमी पीढ़ी को दिया। और हमें मालूम है एक एक जन को प्रभु का प्रकाश के अनुसार जीने वाला वो प्रभु को महिमा देकर के जिया। आज इस पीढ़ी में प्रभु ने हमें ये प्रकाश दिया, कितना धन्य अवस्था है। अभी हम लोग सोचते हैं ना, कई बार हम लोग मिलने के टाइम सोचते हैं, अरे प्रभु अभी तक नहीं आया, कब आएगा? क्यों नहीं आया? उसका एक कारण बता करके मैं समाप्त करूंगा। दूसरा पत्रोस 3:9। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। हाँ। जैसे देर कुछ लोग समझते हैं। हाँ, जैसे देर हो रहा है करके कुछ लोग समझता है, हम में से भी कई लोग समझता है ना, क्यों इतना देर हो रहा है। हाँ, उसका उत्तर क्या है? हाँ। पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। हाँ। और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। हाँ, ये बात है, कोई भी नष्ट होना प्रभु नहीं चाहता है ना। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये कोरोना पीरियड में, ये लॉकडाउन पीरियड में प्रियो प्रभु का लोग कहने वाला लोग भी थोड़ा कूद को परखो। मैं प्रभु का बुलावा पाया हुआ, प्रभु का चुनौती पाया हुआ, प्रभु की आत्मा पाया हुआ, प्रभु पर विश्वास करके धार्मिकता का वस्त्र बांध करके प्रभु में मैं बिना रह करके प्रभु को महिमा दे करके जीता है कि नहीं, परखना प्रियो। हम प्रभु का महिमा के लिए संजावल हो गए, हम कोई काम करके उधार नहीं पाया, परंतु भले कामों के लिए हम सजा गया है, उनका बारे में हमें सच्चा ज्ञान रखना प्रियो, सच्चा ज्ञान रखना है। आज प्रभु ने उसकी उपस्थिति में खड़ा होने लायक हमें धार्मिकता का वस्त्र पहनाया। वो यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह की छाया था, वो आंबर, वो बिली हुआ और वो चमड़ा का वस्त्र, वो धार्मिकता का वस्त्र, वो प्रभु यीशु मसीह है। आज हम सबने मसीह को पहना है, कितना धन्यवाद है प्रियो, कितना श्रेष्ठ बात है। आपको समझ में आया ना है? प्रभु ने उसके सामने खड़ा होने के लिए, आदम अम्बा को योग्य बनने के लिए वामर एक मेमना का वध हुआ, वो प्रभु यीशु मसीह था, यीशु मसीह की छाया था, उन्होंने पहना हुआ वस्त्र। तो आज जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करके इस भाव क्षमा पा करके धार्मिकता का वस्त्र पहन करके जीवन बिताता है, वही प्रभु के सामने खड़ा हो पाएगा। आज मैं उसके लिए लायक है कि नहीं, ये बात को जरूर परखना। मैं बहुत प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने आज इस बात का अच्छा प्रकाश आपके दिल में प्रभु ने दिया होगा। तो आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन।